आप लोग भी लंबी सांसें ले लो, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस वीडियो की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आज सुबह सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मेंशन था कि विश्वविद्यालय के लगभग 14-15 बच्चों के ऊपर एक नोटिस जारी किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विश्वविद्यालय में होली खेलने के दरमियान अश्लील और अभद्र गाने बजाए हैं, उन्होंने कपड़े फाड़े हैं और विश्वविद्यालय की शांति को भंग करा है, अनुशासनहीनता करा है। और उसके बाद वो कटिंग कई लोग के व्हाट्सएप स्टेटस और स्टोरी पे भी मुझे पढ़ने और देखने को मिला। आज के 2 दिन पहले विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें मेंशन था कि आप होली खेलने के दरमियान उदंडता और अभद्र गाने, अश्लील गाने बजाते पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। इसी नोटिस के 24-25 घंटे बाद एक फिर नोटिस जारी होता है उसी प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा कि अब आप लोग जाके होली खेल सकते हो। अभी तत्काल प्रभाव से आप इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चेक करना, लगभग 24-25 घंटे पहले आप देखोगे कि इन्होंने ऑफिशियली ट्विटर पे विश्वविद्यालय के विभिन्न डिपार्टमेंट फैकल्टी में खेले गए होली की तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं। सो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई ये होली खेलना है, होली नहीं खेलना है, बाहर जाना है कैंपस में या ऐसे ही फ्लैट में रह जाना है। कंफ्यूज हो गया मैं। आप बोलते हो होली खेलो, फिर उसके बाद आप नोटिस भी जारी कर देते हो। आप भी कंफ्यूज हो कि आपको बच्चों को होली खेलने देना है कि नहीं खेलने देना है। खैर, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना ही होली से संबंधित है ना ही आपके अनुशासनहीनता से संबंधित है। मैं तो आपको नोटिस देने आया हूं श्रीमान जी कि कृपया थोड़ा सा ध्यान लगाएं और हम सभी को बताएं कि हमारे विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग 3 से 6 कैसे हो गई। आप हमें यह भी बताएं कि UGC इंडिया के केयर लिस्ट से हमारे विश्वविद्यालय के 1958 से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रज्ञा को बाहर क्यों कर दिया गया। हमारे विश्वविद्यालय का एक गर्व है, वो मैगजीन एक प्राउड है, जिस मैगजीन में हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने संदेश लिखे, महात्मा गांधी के संदेश लिखे गए, सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिक के लेख लिखे गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस संपादक मंडली के सदस्य मेंबर रहे सबसे पहले। अब इतने बड़े मैगजीन को बंद होने का कारण बताएं। यह है नोटिस आपके लिए। विश्वविद्यालय में पिछले 1.5-2 सालों से क्या हो रहा है, आप इस पर एक बार विचार करें और अभी मैं जितने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आप इसका आंसर जरूर दें। आपसे पर्सनली मैं कम से कम 2 से 3 बार कोशिश कर रहा हूं मिलने के लिए। खैर, ये मुद्दा अलग है कि मैं आपसे क्यों मिलूंगा और आप मुझे टाइम क्यों दोगे। ठीक है, विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए मैंने कोशिश करा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा लॉजिकल पर्सन लगे आप, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लोगों ने बोला मुझे कि आप मेल करो और वो मेल पे ही रिप्लाई करते हैं। खैर, बड़ा दुखद है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी आपसे मिलना चाहते हैं तो नहीं मिल पाते हैं। कई लोगों के वक्तव्य मेरे साथ हुए जिस पे ये बात निकल के आई। तो मुझे नहीं पता कि आपसे मिलने के लिए कितना बड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या कौन से होटल रेस्टोरेंट का एड्रेस लेना पड़ता है या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोगों से मिलते हो। हाँ, उसी दरमियान फिर आपने एक नोटिस जारी करा जिसमें मेंशन किया कि हम PG और PhD के बच्चों से मिलना चाहते हैं स्वतंत्रता भवन में। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि चलो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से नहीं मुलाकात हो पाई, इसी बहाने चल के सर से मुलाकात होगी, कम से कम सुनने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
लेकिन वहां पे आप बच्चों को बुला के अपने मन की बात करके छोड़ देते हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप बच्चों की बातें सुन सकते हो, मेरे ही चैनल पे है, आप सर्च कर लीजिएगा। वैसे आप सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, आप चाय के शौकीन हैं, आप कचौड़ी के शौकीन हैं, आप लस्सी के शौकीन हैं, आप घूमने और सेल्फी देने के बहुत शौकीन हैं, बस आप विश्वविद्यालय संभालना नहीं जानते। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। कोविड वाले बच्चों के बारे में कभी आपने सुना है? मैंने अपने 3 साल का कोर्स 1.5 साल में कंप्लीट करा, आपको पता है? मैं अपने मास्टर्स का कोर्स जो है अभी भी, जबकि सब कुछ सही हो चुका है, लेट सेशन में पूरा करने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सेमेस्टर्स एग्जाम ऑलरेडी सीधे सर पे पटक दिए गए विदाउट एनी नोटिस बिफोर 10 डेज। आपने कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल एफएमसी में देखा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एफिलेटेड एंड एमएमबी, उनकी भी समस्याएं होंगी, लेकिन एक बार आपको एफएमसी के बारे में पता करना चाहिए। आपको पता है आपके यहां विवॉक कोर्स रन करता है? आपके किस विवॉक कोर्स में लेबोरेटरी है? होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है उसमें किचन होना कंपल्सरी है आपके पास है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर्स हायर करने पड़ रहे हैं ऐसे इधर उधर के क्षेत्रों से, उनके लिए लैब होना चाहिए, कंप्यूटर है आपके पास? आपके यहां पीएचडी के एडमिशन में लगातार धांधली हो रहा है, आपने उस पर संज्ञान में लिया इस मामले को? आपके कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था की इतनी कड़ी इंतजाम है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सुनने में आते हैं, आपने संज्ञान में लिया? नहीं, आप मुझे बताइएगा। हमारे विश्वविद्यालय में आईआईटी है, उसका कैंपस हमसे ही जुड़ा हुआ है, हमारे विश्वविद्यालय के बाद उसको आईआईटी का दर्जा दिया गया, हमारा हिस्सा है। वहां की लड़कियों को जितनी छूट है, क्या आप मेन कैंपस की लड़कियों को दिए? क्या आपने सिक्योरिटी को इतना टाइट करके लड़कियों को लाइब्रेरी जाने का मौका दिया? इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, क्या आप दे पाओगे? अगर आप दे पाओगे तो बड़ी खुशी होगी। हां, इस दरमियान एक गुड न्यूज मिला हम लोगों को कि हमारी लाइब्रेरी को लगभग 1000 से ज्यादा लाइब्रेरियों में पहला स्थान दिया गया। लेकिन पता है वो आपकी वजह से नहीं दिया गया, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहां के बच्चों की वजह से दिया गया। दुनिया की कोई एसोसिएशन, कोई एजेंसी हमारी लाइब्रेरी को रैंक दे चाहे ना दे, लेकिन हम सभी अपनी लाइब्रेरी को फर्स्ट रैंक जरूर देंगे, क्योंकि आपके शिक्षक और आप तो विश्वविद्यालय को संभाल नहीं पाओगे, तो हम आ जाते हैं सेल्फ स्टडी पे, और उसके लिए कम से कम ये लाइब्रेरी हमारा साथ देता है। हाँ, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लाइब्रेरी में भी जो व्यवस्था है वो आप बेहतर नहीं कर पाए पहले से, जो 2018-17 से चला आ रहा है वही चला आ रहा है। कभी जाके एक बार वहां की पुस्तकों को आपने खोला है? आपने जानने की कोशिश करी है कितने अपडेटेड पुस्तक आपके पास है? जानने की कोशिश करी है कितने फटे चिथड़े मैगजीन आपके पास है? जानने की कोशिश करा है कि आपके सेंट्रल लाइब्रेरी का क्या हाल है, कितनी सीटें हैं? बेशक आप बहुत सारे विभागों पे काम कर रहे होगे, बहुत सारे सेक्शन पे आप काम कर रहे होगे, लेकिन आप ये जो तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करते हो, तो एक बार आप इन सब चीजों पे भी विचार करें। नहीं, वो दिन दूर नहीं कि बच्चा आपको भी नोटिस करेगा और आपको भी नोटिस देगा, ट्विटर हैंडल पे जाकर टैग करेगा और आपसे भी पूछेगा कि क्यों पीएचडी के बहुत सारे बच्चों की थीसिस बहुत गंदी लिखी गई और वो रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यों आपके कोऑर्डिनेटिंग टीम उसको उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रही है, उन्हें कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, क्यों नहीं सिखा रही है, टीचर्स क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? और ये क्या एक बार जीवन में कोविड आ गया तो क्या आप आने वाले 70-80 सालों तक विश्वविद्यालयों को हमेशा कोविड बैच के नाम से बुलाना चाहोगे, कोविड यूनिवर्सिटी के नाम से बुलाना चाहोगे? इसको कभी आप सही नहीं करना चाहोगे? इन मच्छरों की तरह हाल बना के रखे हो आप तो। विश्वविद्यालय को पिछले 3.5 सालों से मैं भी देख रहा हूं, इसके पहले भी मैंने वीसी को देखे और मैंने विश्वविद्यालय को तब भी देखा जब यहां पे कोई वीसी नहीं था। इवन आपने इतना लेट ज्वाइनिंग करा है,
आपके ज्वाइनिंग के जो नोटिस थे बहुत पहले आ गए थे, खैर वो अलग मुद्दा है, आपने करा क्यों नहीं करा, क्योंकि आप कहीं और पे भी जॉब कर रहे थे, आपका कहीं पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था, लेकिन ये बस सोचना है कि अब तो विश्वविद्यालय आपका है, अब तो आप इसके मालिक हो, इस बगिया के मालिक हो आप, तो आपको सींचना पड़ेगा, आपको कटाई छटाई करनी पड़ेगी, आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप हेड हो, आप सुप्रीम हो। अब विश्वविद्यालय हम तो नहीं चलाएंगे ना, तो A4 साइज पे बस ब्लैक लेटर से लिख देने से अगर विश्वविद्यालय चलने लगे तो विश्वविद्यालय चलाना एक बहुत ही आसान काम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों के बीच में आके बच्चों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के लिए कुछ करिए, ना कि आप अपने बस आसियाने में बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों से कांटेक्ट करें और अपना जो भी मन करें सोशल मीडिया ऑनलाइन पे अपना नोटिस जारी करके आप हाजिर खाली हो जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे आप विचार करिएगा, हम सभी को अपनी बात रखने की छूट है, मैंने अपनी बात बहुत ही सम्मान के साथ आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए रखा है, विश्वविद्यालय के हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति नहीं फैलेगा। अब मैं चाहूंगा कि इन तमाम क्वेश्चन का आंसर एक बार आप जरूर दें और इस पर विचार करें। मुस्कुराते रहिए आप सभी, और ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, मेरे सहपाठी, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, स्कॉलर्स, साथ ही साथ जो कुछ प्रोफेसर्स, इस वीडियो पे प्लीज अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें इसके कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। मैंने जहां गलतियां करी हैं और जहां मैंने अच्छा बोला है आप उस पर भी विचार करें, जिस पॉइंट पे आपको लगा कि हाँ मैं गलत हूं आप मुझे उस पर चेकआउट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने जो मेरे विश्वविद्यालय के जो मेरे छात्र हैं और जो मेरे दोस्त हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सोशल मीडिया पर जाके अपने ट्विटर हैंडल पर जाके इस वीडियो को भी टैग करें उनको, और साथ ही साथ आप अपनी बातों को भी वहां रखें कि आपने विश्वविद्यालय में आने के बाद वो कौन कौन से ऐसे बदलाव देखे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। बातें तो इतनी सारी है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितना कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं विश्वविद्यालय में बस पढ़ने नहीं आया हूं, मैंने विश्वविद्यालय के हर एक चीजों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करा है। मैं विश्वविद्यालय के उन छात्रों में हूं जो कि चीजों को बस देख के नहीं देखता, जी भर के देखता हूं और महसूस करता हूं। भीसी जरूर है विश्वविद्यालय के ये, लेकिन विश्वविद्यालय के बारे में काफी हद तक नॉलेज है और विश्वविद्यालय के लगभग चीजों को मैंने बहुत करीब से महसूस करा है, उन बदलावों को देखा है और वो बातें भी जानता हूं जहां से विश्वविद्यालय को और बेहतर कराया जा सकता है, इसीलिए मैं मिलना भी चाहता था। अभी एडमिशन कमेटी है, हमारा स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर है, डेक है, इन सब पे बातें तो मैंने करी ही नहीं है। जिस दिन इस पे बातें करूंगा, मैं तो चाहूंगा कभी साथ में बैठ के इस पे बातें करिए मेरे से आप। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, बस आप सभी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालय के छात्र हो, अपने अधिकारों को पहचानो और गरिमा को बरकरार रखो। आज मैंने होली पे कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा समर्थन ही कर रहा हूं, हाँ, लेकिन ये है कि फेस्टिवल है, हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा जो भी पॉइंट्स रखा हो मैंने बस यहाँ के प्रशासनिक लोगों के ऊपर रखा। सो प्लीज फिर से एक लंबी सांस लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुस्कुराते रहिएगा, बहुत सारी शुभकामनाएं।